सिर्फ रैपिड सर्वे रिपोर्ट के आधार पे उनके जो प्रतिनिधित्व है उसको 22.5% से कम करना ये संवैधानिक अधिकारों का हनन है, संवैधानिक अधिकारों पर ये डाका है, आपराधिक कृत्य है, संविधान द्रोह है। और संविधान द्रोह के लिए इन संविधान का जो कदाचार पदों पर बैठे हैं उन कदाचारियों को, संविधान विरोधी कृत्य करने वालों को, अपने पद और स्थिति का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई की मांग करते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये सुनिश्चित करने के लिए हम ये अपील करते हैं कि इनको हड़पने का जो दुष्चक्र चल रहा है संवैधानिक जो प्रतिनिधित्व है SC ST OBC वर्ग के लिए, इस पर रोक लगाएं। सूची जारी हुई है नगर निकाय चुनाव के लिए, आपकी तरफ से कुछ आपत्ति जाहिर की गई है, क्या है पूरा मामला और आरक्षण को लेकर क्या मसला चल रहा है? मैं पूरे प्रदेश में और लोनी के संदर्भ में कहना चाहूँगा कि हमारे लोनी में 55 वार्ड है और 55 वार्ड में अनुसूचित जाति की जो संख्या है लगभग 25% के आसपास है, OBC की संख्या को लगाकर लगभग 75% हम आते हैं। परंतु जो आरक्षण सूची जारी की गई है उसमें अनुसूचित जाति के लिए केवल 7 सीटें आरक्षित की गई है और 13-14 सीटें OBC वर्ग के लिए की गई है, 20-21 सीटें SC और OBC के लिए की गई हैं और 35 सीटें जो जनरल क्लास के लिए की गई हैं, जबकि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं हो सकता। तो जनरल के लिए 50% से ज़्यादा हो गया, लगभग 65 से लेकर 70% के करीब हो गया, ये असंवैधानिक है। जबकि आबादी के अनुसार संविधान में ये व्यवस्था है कि SC का और OBC का आबादी के अनुसार राजनीतिक पद प्रतिनिधित्व और संवैधानिक शासनिक प्रशासनिक सेवाओं में सुनिश्चित होना चाहिए। तो ये जो है वो जातिगत जनगणना को आधार नहीं बनाया गया, सिर्फ रैपिड सर्वे मनमाना है जिसका कोई आधार नहीं है, उसके आधार पर संवैधानिक प्रतिनिधित्व को SC ST के या OBC के को हड़पना स्वयं में एक असंवैधानिक प्रक्रिया है जिस पर हमें आपत्ति है। और हम भारत के लोग, हमने संविधान दिया संविधान समिति के माध्यम से जिसे संसद ने अनुमोदित किया, राष्ट्रपति महोदय ने उसको लागू किया, तो ये तो वसीयत हो गई पूरे देश की। तो वसीयत में संशोधन नहीं हो सकता। ये आरक्षण का चक्रवार क्या है, इसको थोड़ा समझना चाहेंगे आसान भाषा में। सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व बना रहे और जड़ता ना रहे, सभी वर्गों के मतदाता अपने मताधिकार को चुनते हुए अपना प्रतिनिधित्व वर्गीय हितों को देखते हुए, अपने क्षेत्र के विकास को देखते हुए, सामाजिक न्याय और हितों को देखते हुए चुन सकें, इसलिए चक्रानुक्रम की व्यवस्था की गई है कि हर 5 वर्ष बाद जो उसका जो पद प्रतिनिधित्व है वो दूसरे क्लास के लिए, जैसे पहली स्थिति में SC के लिए होगा, दूसरे में OBC के लिए होगा, फिर सामान्य महिला और उन चीज़ों के लिए होता है। बहुत सारे वार्ड ऐसे हैं कि जो जब से नगर पालिका बनी है या नगर निगम या नगर पंचायत बनी है पूरे प्रदेश में, वो देखने को मिला है कि वो सामान्य ही चलते आ रहे हैं या OBC के लिए चलते आ रहे हैं या SC समाज के SC वर्ग के लिए होते आ रहे हैं। तो फिर चक्रानुक्रम संवैधानिक व्यवस्था है कहाँ? तो ये तो जो संवैधानिक प्रक्रिया है उस संवैधानिक प्रक्रिया में जो शासनिक प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, जो संवैधानिक पदाधिकारी बैठे हैं, वो अपने पद और स्थिति का दुरुपयोग करते हुए संवैधानिक कदाचार कर रहे हैं, संविधान द्रोह कर रहे हैं। इस संविधान द्रोही जो लोग हैं जिन्होंने अपनी पद और स्थिति का दुरुपयोग करते हुए ये जो SC ST या OBC के पद प्रतिनिधित्व को हड़पने का जो एक आपराधिक कृत्य किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की हम मांग करते हैं और सरकार से ये मांग करते हैं कि जो SC ST OBC के लिए संविधान में जो प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है 49.5%, उसको पूरा का पूरा सुनिश्चित लागू करें।
ये नहीं कि ग्रामीण क्षेत्र इसको हड़पने के लिए, जहाँ ग्राम पंचायत के चुनाव हुए वहाँ आबादी फिर तो एससी की आबादी या ओबीसी की आबादी 22.5% से या 27% से बहुत ज़्यादा है, परंतु उन्हें वहाँ सीमित किया गया 22.5% पे और 27% पे। अब नगर क्षेत्र में जनसंख्या के जो जनगणना के आंकड़े हैं जो संवैधानिक तरीके से किए जाते हैं उनको नज़रअंदाज करके सिर्फ रैपिड सर्वे रिपोर्ट के आधार पर उनके जो प्रतिनिधित्व है उसको 22.5% से कम करना ये संवैधानिक अधिकारों का हनन है, संवैधानिक अधिकारों पर ये डाका है, आपराधिक कृत्य है, संविधान द्रोह है। और संविधान द्रोह के लिए इन संविधान का जो कदाचार पदों पर बैठे हैं उन कदाचारियों को, संविधान विरोधी कृत्य करने वालों को, अपने पद और स्थिति का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई की मांग करते हैं। और माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी ये सुनिश्चित करने के लिए हम ये अपील करते हैं कि इनको हड़पने का जो दुष्चक्र चल रहा है संवैधानिक जो प्रतिनिधित्व है एससी एसटी ओबीसी वर्ग के लिए, इस पर रोक लगाएं। और या तो जब एक देश है, एक विधान है, एक संविधान है, एक सरकार है, तो उस पर हमें पूरे 22.5% को जो प्रतिनिधित्व है जिसे मायावती की गवर्नमेंट ने बसपा सरकार ने 23% कर दिया था, उसमें से 21% जो एससी वर्ग के लिए किया गया था उसे पूरा का पूरा लागू करें। पूरे लोनी में जहाँ प्रतिनिधित्व एससी वर्ग का 12-13 सीटें बैठती हैं 7 सीटों पर सिमट गया। तो सर ये जो आपने बताया कि जिस तरह से बसपा सरकार ने 23% कर दिया था जो आरक्षण है, अब वो सुकड़कर 14% रह गया अगर हम शहर की बात करें नगर निगम में, क्योंकि 14 सीट ही रिजर्व की है। अब ऐसे में क्या जातीय जो अनुपात है वो भी इस पर कुछ डिपेंड करता है, जातीय समीकरण जो है? देखो पूरे प्रतिनिधित्व को नगर निकाय क्षेत्र को और ग्रामीण क्षेत्र को इस प्रतिनिधित्व को हड़पने के लिए एक साजिश की गई है। या तो आबादी के हिसाब से दो, तो जो ग्रामीण में ग्राम पंचायत है, क्षेत्र पंचायत है या जिला पंचायत के उसमें जो चुनाव हुए उसमें आबादी के हिसाब से पूरा दो, वहाँ एससी एसटी ओबीसी वर्ग को 49% में सिमटता देना। और जहाँ अब यहाँ नगर निकाय चुनाव में नगर पंचायत है, नगर पालिका है या नगर निगम में है, उसमें आबादी के हिसाब से कि इनकी संख्या कम है उसे कम कर देना, और वो भी रैपिड सर्वे के आधार पर, मनमाने सर्वे के आधार पर जिसका कोई भौतिक सत्यापन सर्वे रिपोर्ट नहीं है, ऑथेंटिक रिपोर्ट नहीं है, जो कि संवैधानिक रूप से जनगणना हुई है उसकी रिपोर्ट का आधार नहीं, उसे कम कर देना। ये तो मनमाना है, ये संवैधानिक प्रक्रिया नहीं है, ये संवैधानिक कदाचार है, अपने पद और स्थिति का दुरुपयोग है। और एससी एसटी जो वर्ग है, ओबीसी वर्ग है, उनके लिए जो संविधान के हिसाब से जो कहा गया है कि संविधान पर बैठे हुए पदाधिकारी या कोई भी नागरिक जन्म जाति लिंग भेद भाषा क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो ये भेदभाव और विषमतावादी नीति है। इस विषमतावादी नीति के आधार पर येन केन प्रकारेण एससी एसटी वर्ग का, ओबीसी वर्ग का, उनको डिवाइड करके क्षेत्रों में, विभागों में डिवाइड करके उनके संवैधानिक पद प्रतिनिधित्व को हड़पा जा रहा है। जैसे वहाँ पद आरक्षण को ये वरिष्ठता क्रम में जो प्रमोशन है उसको ख़त्म किया गया, प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्तियाँ की गई, परंतु प्रतिनियुक्ति के आधार पर जो नियुक्तियाँ की गई उनमें आरक्षण नहीं दिया गया, सीधी भर्तियाँ की गई। कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर निजीकरण के नाम पर जो भर्तियाँ की गई उनमें कोई भी के नाम रिजर्वेशन की व्यवस्था नहीं की गई। तो ये ऐसे संवैधानिक कृत्य है। लेटरल एंट्री के माध्यम से जो भर्तियाँ की जा रही हैं सीधी के सीधे, ये सीधी वो की जा रही हैं, उनमें कोई रिजर्वेशन की व्यवस्था नहीं है। तो फिर आयोग, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, देश का संविधान, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य के लोक सेवा आयोग हैं, इनकी आवश्यकता क्या है? तो पूरे शासनिक प्रशासनिक जो संवैधानिक सिस्टम है उसको दरकिनार कर, उसको भंग करते हुए, दरकिनार करते हुए जो एससी एसटी ओबीसी का जो संवैधानिक पद प्रतिनिधित्व है इसको हड़पने की व्यवस्था की जा रही है। जैसे कॉलेजियम के नाम पर जो संविधान में जो व्यवस्था की गई है कि आर्टिकल 124 और 312 में ये व्यवस्था है कि न्यायिक सेवा आयोग होगा, न्यायिक नियुक्ति सेवा आयोग होगा, और उसके माध्यम से, प्रतियोगिताओं के माध्यम से सक्षम और योग्य जो है न्यायाधीश बनाए जाएंगे। परंतु जो एक कॉलेजियम की व्यवस्था के नाम पर मनमानी नियुक्तियां, एक तरह से निजीकरण हो गया, राजनीतिकरण हो गया, और एक कुलीन तंत्र जो परिवार तंत्र है उसके लोग वहां पर बैठे हैं जिनके नियुक्ति के लिए कोई भी कैपेसिटी एबिलिटी की व्यवस्था नहीं है।
सिर्फ जज ही जजों की नियुक्ति कर रहे हैं। अब इस आरक्षण सूची पर क्या आपकी तैयारी है अपना आपत्ति जाहिर करने के लिए, क्या इस पर तैयारी हुई है? हम 7 दिन में आपत्ति दाखिल करने का समय दिया गया है। हम जिलाधिकारी महोदय को, जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को और चुनाव आयोग को, देश के प्रधानमंत्री को और संविधान के जो संरक्षक हैं, रक्षक हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट को, इसके बारे में हम आपत्ति देंगे कि हम भारत के लोगों के जो अधिकार हैं उनको सुनिश्चित किया जाए और हमें बांटकर, विभागों में बांटकर हमारे संवैधानिक पद प्रतिनिधित्व को हड़पा ना जाए, उन पर डकैती न डाला जाए, उन्हें खत्म ना किया जाए। ये ऐसे जो पदाधिकारी हैं जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, वो जन्म जाति लिंग भेद के आधार पर भेदभाव विषमता की गैर बराबरी की भावना से जो SC ST OBC वर्ग के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक और जो शैक्षणिक अधिकार हैं, राजनीतिक अधिकार हैं, पद प्रतिनिधित्व के अधिकार हैं, उन्हें हड़पने का जो दुष्चक्र है संवैधानिक कदाचार के तहत जो कर रहे हैं उस पर तुरंत रोक लगाई जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। उसके लिए हम आपके चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम अपील करते हैं और इसके लिए हम कार्रवाई कर रहे हैं। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।